अगर तुम होते तो शायद ये फुटपाथ मेरा घर ना होता। मेरे तन पर अंगोछा नहीं, महंगा कपड़ा होता। मेरे लिए भी होली और दिवाली का त्योहार होता। मुझ पर भी समाज की भीख का एहसान ना होता। मेरे पढ़ने के लिए भी एक स्कूल होता। मुझे भी इस तपती गर्मी में एसी का सुख होता। शायद मेरे पास भी आने जाने के लिए वाहन होता। मेरे पास भी परिवार का प्यार होता। मेरा भी इस समाज में सम्मान होता। अगर माँ बाप तुम होते तो मैं किसी पर बोझ ना होता। अगर माँ बाप तुम होते तो मुझे तुम्हारे ना होने का गम ना होता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास सुरजीत सिंह मेरा नाम है ते मेरा पिछोकड़ जिला लखीमपुर खीरी यूपी तो तुकुनिया शेटी का मैं रहने वाला। तुकुनिया शहर का मान लो उतों का रहने वाला मैं। तो पिछोकड़ मेरा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही थोड़ा आर्थिक तक पक्षों तंग सीगा। तो मेरे माता पिता ने 2006 दे विच अकाल गुरमत विद्यालय बड़ू साहब विखे मैं भेजिया, जिस दे विच मैं तकरीबन 6 साल दे विच सारी विद्या हासिल की। गुरबाणी की विद्या भी, जिस दे विच 3 वारी संथ्या की, पातशाही लड़ीवार अते फिर दोबारा लड़ीवार, ते नाल नाल गुरबाणी की कथा, नाल नाल गुरमत कीर्तन हारमोनीयम का मैं 5 साल का कोर्स किया, जिस दे विच मैं हुण अपनी सारी विद्या प्रपक्ष पूरी करके उस तो उपरंत हुण मैं गुरमत विद्यालय दे विच एक इंचार्ज दे पक्षों अते एक मेन टीचर होने दे पक्षों सेवा निभा रहा हाँ। तो हुण तकरीबन असी 6-7 बच्चे गुरमत विद्यालय विचों सीख के अपन सारिया डिग्रियां पूरियां करके बाहर जिथे स्टेटा दे विच महापुरखों वालों हुक्म हुंदा है कि इस स्टेट विच कीर्तन करना है, उत्थे जाके कीर्तन द्वारा संगतां नूं निष्काम सेवा पक्षों जिन्नी भी कोई सेवा दे सकदा वह वक्री गल है, पर निष्काम सेवा पक्षों उत्थे सेवा कर रहे हैं। तो मैं छोटा जिहा सी जदों इत्थे आया सी, मेरा पिछोकड़ तंगी आर्थिक तंगी होण करके हुण इस टाइम मेरा बड़ू साहिब वालों सहायता मान लो या मेरी बहुत ज़्यादा महापुरखों ने सहायता भी की है कि सारे मैं अपना घर बार भी सैट कर लिया है, भैणा का विआह भी कर लिया, भरावान का विआह भी कर लिया है। तो हुण तकरीबन मेरी इत्थे 25,000 सैलरी है, जिस दे विच मैं इत्थे बड़ू साहिब सेवा कर रहा हाँ, नाले बच्चों सिखा रहा हाँ। एक हारमोनीयम की सेवा बच्चों सिखाता हाँ, मैं कीर्तन सिखाता, गुरबाणी की कथा या गुरबाणी का संथ्या का पाठ सिखाता हाँ। तो ये सारिया सेवा महापुरखों के आसे अनुसार ही चल रही हैं, क्योंकि महापुरखों ने एक सानू रुलद्या फिरद्या इत्थे लिया के, क्योंकि साढ़े माँ प्यो की इन्नी समर्था नहीं सी सानू इन्ना पढ़ा च सकन। महापुरखों ने इत्थे लिया के 10वीं 12वीं BA करवा के, म्यूजिक विच MA करवा के इत्थे सारे नू रखिया होया। होर भी बच्चे ने इत्थे गुरमत विद्यालय बारे मैं थोड़ा दस देवां, इत्थे तकरीबन 80 तो 100 दे तकरीबन बच्चा है, जिस दे विच बच्चे सीखते हैं, सीख के अकाल अकैडमी विच जॉब चले जाते हैं। उन्हां नू महापुरख सारे जितने अदारे हैं महापुरखों के 131 अकाल अकैडमियां अते 2 यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, उन्हां विच टीचर की जॉब संगीत डिपार्टमेंट दे विच उन्हां बच्चों नू भेजिया जाता है। ये सारे बच्चे गरीब घरां विचों आण के इत्थे आण के बच्चों ने विद्या प्राप्त की, नाल नाल गुरबाणी की विद्या प्राप्त की, सारा म्यूजिक का कोर्स सारा अदारा मतलब सीख के ते बाहर अकाल अकैडमी विच जाके सेवा कर रहे हैं, जिन्हां दी तकरीबन तनखा महापुरख सेवा भी दे रहे हैं, तनखा भी दे रहे हैं अते चंगे रिस्पोंस भी मिल रहे हैं। ये बड़ू साहिब का जो विद्यालय का टाइम टेबल है, इस तो तकरीबन 70-80 बच्चे रहिंदे, जिन्हां विचों 35-36 बच्चे तबला सीखते हैं, कुछ बच्चे 33 साज जो पुरातन मर्यादा सी महापुरखों वालों जो बहुत ही पुराने साज सन, अपने 5 गुरु साहिबाना ने 33 साजां दे राही जो अपने धार्मिक साज ने उन्होंने राही कीर्तन किया है, वह 33 साज महापुरखों ने दोबारा जो अलोप हो चुके सन, सरंदा सरंगी ते ताउस दिलरुबा रबाब, ये साज जिहड़े साज सन गुरमत विच आउंदे हन, ये सारे साज महापुरख ने इत्थे सिखलाई दे रहे हैं तकरीबन बच्चों, जिस दे विच सारे बच्चे गुरबाणी की कथा अते 33 साजां दा मेन जो कोर्स है वह कर रहे हैं।
वाहगुरु जिदा मैं तुहानू दस रहा इस विद्यालय बारे कि महापुरखां ने जो गरीब घर के बच्चे उही इत्थे आण के पढ़ते हैं, जिन्हां दे पिछों नहीं पढ़ा सकते वो इत्थे आण के नाल नाल दुनियावी विद्या दे नाल नाल अध्यात्मिक विद्या दे नाल नाल गुरबाणी की विद्या ते गुरबाणी की कथा कीर्तन सारा सीख के परिपक्व हुंदे हन अपने कोर्स विच। ते हुण मैं तुहानू दो क तीन बच्चे इत्थे गुरमत विद्यालय विच ऐसे हन, एक बच्चे मैं मिलाउण जा रहा तुहानू आसू सिंह जिसका ये हिंदुआ का बच्चा सीगा ते ये कुछ समय तो गुरमत विद्यालय में तकरीबन चार पाँच साल तो आया है। मैं तुहानू ये दस देव कि शरीरक पक्षों ठीक नहीं रहिंदा सी, हाथ पैर भी नहीं सी चलते ते मैंटली प्रिपेयर भी सी, मैंटली करके भी थोड़ा जिहा अपसैट सीगा ये बच्चा। इत्थे आण के नाल नाल महापुरखां ने जिसनू आशीर्वाद दिता कि सेवा करनी है, नाम जपना है, तो हुण तुसीं देख लो कि थोड़ा जिहा शरीर पक्षों भी ठीक हो गया है तो दिमाग पक्षों भी थोड़ा ठीक है। नाल नाल गुरबाणी इनू जपजी साहब कुछ कुछ बाणियां ऐसिया ने जिन्हें तकरीबन कंठ हैं विच तकरीबन जो आप नितनेम करते हैं तो ये बाणियां नाल नाल बोली जाता है, सारिया ही बाणियां तकरीबन ये नाल बोलता है। ये बच्चा हिंदू परिवार विचों है तो दिमागी थोड़ा ढिल पक्षों या शरीरक पक्षों घट होने करके बच्चे इसे छड़िया। इस तरह इस तरह ही कई बच्चे ने इतने अनेक बच्चे हैं जिन्होंने नाल नाल गुरबाणी विद्या के कीर्तन के नाल सेवा मुख रखद सेवा की, अज वो तकरीबन ठीक हैं। ये बच्चा है जिदा इदा होर भी बच्चे हैं, आप भी मिलाने। सो आसू सिंह जी फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हुण गुरमित विद्यालय के जिहड़े होर बच्चे हैं तुहानू उन्हां बच्चों के नाल मिलाने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तरनदीप सिंह दिल्ली का रहने वाला हाँ। मेरे माता पिता गुजरन तो बाद मेरे भूआ फुफड़ जी ने मैनू 2005 इत्थे भेज दिता सी बड़ू साहब। जदों मैं इत्थे आया सी तां मैं शरीरक पक्षों बहुत ही कमजोर सी, चल फिर नहीं पाउंदा सी, अते मैं महापुरखां दे आशे अनुसार इत्थे सेवा कीती। अज बिल्कुल ठीक हाँ। इत्थे विद्यालय च रह के मैं विद्या प्राप्त कीती, गुरबाणी दी चार वारी संथ्या लई है, तीन वारी पातशाही ते एक वारी लड़ीवार संथ्या लई है गुरबाणी दी, ते नाल दसवीं क्लास दी विद्या प्राप्त कीती है। ते इत्थे नाल रह के नाल मैं हुण पाठी सिंह दी सेवा निभा रहा, ते होर भी विद्यालय विच भी मैं बच्चों नूं गुरबाणी दी संथ्या करवाउंदा हाँ, ते नाल नाल इतिहास दी संथ्या दी क्लास भी लै रहा हाँ। मैं बहुत धन्नवादी हाँ महापुरखां दे जिन्हां ने मैनूं इस मार्ग तक पहुँचाया। तो जे अज मैं इत्थे ना आया हुंदा तां अज मेरी दशा कुछ होर ही होनी सी। मैं इत्थे रह के महापुरखां दी हमेशा ही सेवा करनी चाहुंदा हाँ। मैं बहुत खुश हाँ इत्थे रह के। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम अमनदीप सिंह है, मैं जिला अमृतसर पिंड चेतनपुरे के रहने वाला हाँ। मैं 2012 दे विच संस्था विच आया सीगा। संस्था दे विच आन तो बाद मैं 10th प्लस 2 संस्था दे विच रह के कीती, जो कि बहुत ही वधिया हुई। अरे उस तो उपरंत मेरी हुण BA चल रही है म्यूजिक दे विच, फस्ट ईयर सैकेंड ईयर हो रहा है। तो हुण उस तो उपरंत मेरिया क्लासेस वधिया लग रही ने इत्थे। तो करो मैं थोड़ा गरीब सीगा इस करके मैं संस्था दे विच आया सीगा। बाबा जी का धन्नवाद है कि साढ़े वर्गे गरीबा बच्चों नूं एहो जी संस्था बना के कि पढ़ा लिखा रहे ने, वधिया काम करा रहे ने। होर भी बच्चे ने जिन्हां दे माँ बाप नहीं हैगे, वह भी बच्चे इत्थे आंदे ने, उन्हां नूं भी बाबा जी वधिया पढ़ा लिखा रहे ने। उस तो उपरंत यही है कि इत्थे आके यही शिक्षा मिलती है ज़्यादातर तां कि माड़े समय तो किवें बचना है, आने वाले माड़े समय तो किवें बचना है, अते माड़ी संगत तो किवें बचना है। इत्थे आके सानू जीवन की बड़ी वधिया शिक्षा मिलती है कि किवें जीना है, केड़ा माड़ा है, केड़ा चंगा है, की चंगा है, की माड़ा है। इस चीज़ का बहुत ही मतलब कि पता लगता है संस्था दे विच आके। गुरबाणी नाल बंदा जुड़िया रहिंदा है संस्था दे विच आके कि असी नितनेम जाते हाँ, 12 बजे उठते हाँ, 12 बजे इशनान करते हाँ,
नेत्रियम जाने बहुत ही वधिया लगता है। ये बाबा जी की कृपा है कि सानू नेत्रियम की सेवा बख्शी है। माफी मंगना मैं सात संगतों, बाबा जी की कृपा है कि सानू नित्यनेम की सेवा बख्शी है। बच्चों जो कि अजकल कलयुगी समय के बहुत ही औखा है, मैं बाबा जी का धन्यवाद करना चाहना। सानू गरीबा बच्चों पढ़ाया लिखाया, कीर्तन की दात बख्शी है। मैं यही बेनती करांगा कि जीवन सुधारन वास्ते नितनेम की बहुत लोड़ है, जो कि बाबा जी हर एक अकैडमी दे विच करा रहे ने, हर एक स्कूल दे विच होना चाहिए है। जो कि सैनिक बाबा जी चरणों च बेनती है कि यही सेवा लेंदे रहन। बाबा जी का धन्यवाद है जो कि संत बाबा अत्र सिंह जी महाराज के दसे हुए राहों ते चलवा रहे ने। मेरा नाम मनिंदर सिंह, जिला गुरदासपुर पिंड कालवां दा रहण वाला हाँ। मेरे माता पिता बहुत ही गरीब सन, जो कि मैनू पढ़ाई नहीं करा सकते सन। तो सानू पता लगा भी अकाल गुरमत विद्यालय बड़ू साहब दे विच बाबा इकबाल सिंह जी वालों चलाया जा रहा है। मैं 2011 दे विच अकाल गुरमत विद्यालय विच आया, फिर 2017 दे विच अपना कोर्स सारे पूरे किए। कोर्स विच मैं 5 साल की BA पूरी की तबले दे विच, ते दो वारी संथ्या की है। ते हुण जिहड़ा महापुरखां वल्लों अकाल जथा चलाया जा रहा है उहदे विच मैं सेवा निभा रहा हाँ, जिस वजह असीं पिछले साल दे विच 350 प्रोग्राम किए हैं। इस साल दे विच 110 प्रोग्राम हो गए हैं, अजे होर भी महापुरख करा रहे हैं। तो मैनू महापुरख सैलरी वजों 15-17 हज़ार दे विच दे रहे हैं, जो कि मेरा घर का गुजारा बहुत ही वधिया चल जाता है। मैं धन्यवाद करदा हाँ महापुरखां का, बहुत बहुत दिलों धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने मैनू इन्ने काबिल बनाता। मेरा नाम सतनाम सिंह है। मैं 5 साल तो मेरे मम्मी डैडी गुजर गए हैं, तो फिर मैनू मेरे दादू जी ने पालिया, तो फिर मैनू मेरे दादू जी भी गुजर गए, फिर उस तो बाद मेरे ताया ताई जी ने मैनू 1 साल पालिया। उस तो बाद फिर मैनू राड़ साहब भेजता, राड़ साहब तो फिर मेरे ताया ताई जी मैनू ले आए, तो फिर मैनू चंडीगढ़ भेजता। उस तो बाद फिर मैनू चंडीगढ़ तो बाद फिर मैं बड़ू साहब आ गया। बड़ू साहब तो बाद मैं वीर जी ने मिलिया, काका वीर जी ने मिलिया, बख्शीश वीर जी ने मिलिया, गुरमेल वीर जी ने मिलिया। उस तो बाद फिर वीर जी ने मैनू ए ब्लॉक विच रखवाया, तो हुण मैं उत्थे तबला सीख रहा वा, गुरु ग्रंथ साहब जी संथ्या भी लै रहा वा, तो फिर हुण मैं पाठी ते रोला भी लगाना वा, मैं इत्थे सेवा भी करदा वा, ते हुण मैं इत्थे तबला चंगी तरह नाल सीख रहा वा, ते वीर जी मैनू हुण अपने बच्चे दी तरह रखदे ने। मेरा नाम गुरदर्शन सिंह है, मेरे पिता जी का नाम सुलक्खण सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश जिला बहराइच पिंड मटेरा का रहने वाला हाँ।
मैं एक गरीब परिवार तो हाँ। मेरे माता जी की डैथ हो गई सी जब मैं 5 साल का सीगा, ते मेरे पिता जी शराबी सीगे, ते इस करके मेरे पिता जी मैं इत्थे पढ़ाई करने वास्ते लेके आए, ते फिर संस्था ने मैं इत्थे पढ़ाई कराई, म्यूजिक सिखाया, ते सानू सहारा दिता। असी बेसहारा सीगे उस टाइम ते, क्योंकि साड़ी मम्मी जी 5 साल दे सीगे, असी खत्म हो गए सीगे, पिता जी बहुत शराब पींदे सीगे, हुण पिता जी ने भी अमृत छक लिया, पिता जी भी सही हो गए है, असी भी अपने पैरां ते खड़े हो गए हैं। असी 3 भरा हाँ। मेरा बड़ा भरा अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दे विच नौकरी करता है, ते मेरा छोटा भरा बाहरले देश चल गया है, कम कर रहा है संस्था की कृपा दे नाल, ते मैं दूजे नंबर ते हाँ। मैं भी संस्था दे विच कम कर रहा हाँ, नौकरी कर रहा हाँ। संस्था ने ही मैनू सिखाया है, ते संस्था ने ही मैनू नौकरी दित्ती है, ते मेरी अज तनखा 20,000 है। ते जे असी संस्था दे विच ना आंदे, ते मेरे ख्याल असी भी अज शराबी होंदे। जिहड़ा मैं म्यूजिक टीचर हाँ, संस्था टीचर हाँ, एक ग्रंथी पाठी हाँ, असी अज ये ना होंदे, असी भी शराबी होंदे, असी भी रुल रहे होंदे। बहुत धन्यवाद है संस्था का, असी अपने पैरों पर खड़े हो गए, नशे पत्तियां तो बच गए हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये सारा जो आप जी देख रहे हो, आप जी ने सारे ने सुनिया भी है कि किस तरह के इत्थे अकाल गुरमत विद्यालय गुरुद्वारा बड़ू साहिब विखे जो गुरमत विद्यालय चल रहा है, किस तरह के इत्थे बच्चे आ के गुरबाणी की विद्या, गुरु इतिहास, गुरबाणी का कीर्तन, सब तो वड्डी गल है जो साढ़े तो विसर चुके साज सन, 33 साज जो अपने गुरु साहिबान ने वजाए सन, जां अपने गुरु साहिबान वह पुरातन साजां दे नाल कीर्तन करिया करदे सन, वह साज महापुरखां ने दुबारा होंद विच लियांदे, महापुरखां ने दुबारा सुरजीत कीते, वह साज आप जी सारे दर्शन कर रहे हो। जो तीसरे पातशाह ने गुरु अमरदास जी महाराज ने सरंदा जिस पातशाह ने बनवाया सी, अते 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस पुरातन साज दे नाल कीर्तन करिया करदे सन। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस साज दे नाल कीर्तन करिया करते सन, ते तीसरे पातशाह ने बनवाया सी, ते 5वें पातशाह ने इस साज नूं वजा के आप गुरबाणी का कीर्तन करते सन। उस तों बाद ताउस जो 6वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बनवाया, अते 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस साज दे नाल आप जंगां युद्धां दे विच भी कीर्तन भी किया, अते नाल नाल जंग युद्ध भी लड़े। ये पुरातन साज दे नाल गुरु साहिब आप कीर्तन करिया करते सन। ये साज दिलरुबा है जो 10वें पातशाह ने बनवाई सी, अते सिख पंथ ने इस दे नाल कीर्तन किया। इस तरह ही अनेक ही साजां दे नाल महापुरख इत्थे बच्चों को सिखलाई देंदे हन, अते साडे वर्गे आप जी ने सुने होगा अनेक ही बच्चे, गरीब घर के बच्चे आण के इत्थे गुरबाणी की विद्या अते कीर्तन दे नाल जुड़ के अपना जीवन ते सफला करते हैं, नाल दे नाल अपने किसी मुकाम के उत्ते भी पहुँच जाते हैं। सो ये सारिया सेवा बड़ू साहिब वालों चल रही हैं, महापुरखों की बड़ी कृपा है, क्योंकि सारे बच्चे इत्थे ओ आउंदे हन जां ते जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, जिन्हां दी आर्थिक तंगी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुश्किल विच पढ़ाई करूँ पढ़ाई नहीं कर सकते, वो बच्चे इत्थे आण के गुरबाणी की विद्या कीर्तन के नाल जुड़ते हैं। सो ये इन्हां विचों कुछ कु बच्चे जिथे जिस विच दास भी है, अनेक हिंदुस्तान के अनेक ही जगह विच जाके गुरबाणी का कीर्तन करते हैं, संगतां नूं गुरबाणी का कीर्तन के नाल जोड़ते हैं। 2018 के विच तकरीबन 300 तो उपर प्रोग्राम महापुरखां ने करवाए सन, जिस दी कोई भेटा नहीं है, निष्काम सेवा है, जे कोई दे सकता है तो ट्रस्ट नूं अपने सरदा वालों देंदा है, वैसे वैसे कोई भेटा नहीं।
इस साल के तकरीबन 110-115 प्रोग्राम हुण तक हो चुके हैं। यही विद्यार्थी हैं जो जाके गुरबाणी का प्रसार गुरबाणी का बाहर जाके प्रचार कर दें, इन्हां साजां का प्रचार कर दें कि ये साज सिख पंथ दे हन, इन्हां नूं संभाल के रखिए, इन्हां नूं अपने नाल जोड़ के रखिए। तो ये महापुरख ने द्वारा सुरजीत करके ये महापुरख ने वड्डे वड्डे उस्तादां नूं बुला के ते बच्चियां नूं इन्हां साजां दे नाल द्वारा जोड़िया अते गुरबाणी का सारा ही कीर्तन इत्थों तक कि सहज पाठ भी इन्हां साजां दे नाल महापुरखां ने करवाया। संपूर्ण सहज पाठ जिहड़े राग दे विच गुरु साहिब ने गुरबाणी दे उच्चारण कीता सी उसे राग दे विच ये साजां दे नाल कीर्तन करके गुरबाणी नूं पढ़िया गया अते सारे हिंदुस्तान दे विच इस गुरबाणी का प्रचार किया इन्हां साजां दे नाल। सो ये सारी गुरबाणी जो संस्था का काम चल रहा है ये एक तुक उत्ते चल रहा है, सतगुर का जो सिख खाए सो भल के उठ हर नाम ते आवै, उद्यम करे भल के प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावै। महापुरखों की उम्र तकरीबन 96 साल तो उपर हो चुकी है जो अजे भी तकरीबन दरबार साहब आप आ के गुरबाणी का कीर्त गुरबाणी के नितनेम सवेर का प्रकाश अमृत 12:30 बजे इतों का प्रकाश हो जाता है। महापुरख अजे भी आ के आप नितनेम के बैठते हैं, आप अरदास करते हैं, सहज पाठा अखंड पाठा के भोग आप पाते हैं। इतनी उन्होंने आत्मिक दृढ़ता इतनी ज़्यादा है कि अजे भी आ के दरबार साहब बैठते हैं। नाल नाल संथिया गुर इतिहास वीर रस गतका गतका ये बच्चे कई बच्चे जो गतका सीख रहे हैं इतने। सो मैं पहलों भी दस्या से तुहानू कि इतने 80 तो तकरीबन 100 दे विच बच्चा पढ़ता है जो अपना नाल नाल गुरबाणी की विद्या प्राप्त करके अपना जीवन तो सफला कर ही रहा है, नाल नाल किसी मुकाम के उत्ते भी पहुँच रहा है। सो दूसरी गल मैं ये दस देव, ये संस्था जो सारी संस्था कलगीधर ट्रस्ट गुरद्वारा बड़ू साहब काम कर रहा है, एक तो कुत्ते कर काम कर रहा है। विद्या विचारी तां परउपकारी, महापुरख दसदे हन कल्ली दुनियावी विद्या भी अगे जा के काम नहीं आउंदी, नाल नाल दुनियावी विद्या दे नाल नाल अध्यात्मिक विद्या अते गुरबाणी दी विद्या दा सम्मेलन करके महापुरख दोनों ही विद्या नूं बच्चियां नूं दृढ़ करवाउंदे हन अते बड़ा उच्चा सुच्चा इत्थों दे बच्चियां दा जीवन है। बड़े ही सुचजे ढंग दे नाल 12:30 बजे रात नूं इत्थों दी अस्थान दी जो मर्यादा है गुरु साहिब दा प्रकाश हो जांदा है, उस दे विच सारे बच्चे तकरीबन छोटे वड्डे सारे गुरमत विद्यालय के बच्चे जाके बड़े प्रेम दे नाल बड़े एक चौंकड़ी दे विच बैठ के वाहिगुरु गुरु मंत्र दा जाप अते पंजां बाणियां दा नितनेम करदे हन। उस तो उपरंत सुखमनी साहिब दा जाप जिद्दां रूटीन चलदी उदां चलदा रहिंदा है ते इह इत्थों दे स्थान दी मर्यादा है जिस दे विच महापुरख आप भी आण के बैठदे हन। 96 साल तो उपर महापुरखां दी उम्र हो चुकी है जो अजे आप भी आण के गुरु संगत दे नाल बैठ के गुरबाणी का कीर्तन दे विच अते गुरबाणी दे जो भी इत्थों दी दरबार साहिब दी रूटीन चलदी है उस दे विच आप हाजरी लगाउंदे हन। सो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिन्हां बच्चों माता पिता का दिता प्यार उन्हां का दिता सुख नहीं नसीब होया, अज बड़ू साहब उन्हां बच्चों गलवकड़ी ला के उच्चे पद्धर की विद्या दे रहा है। अपने दसवंध राही इन्हां बच्चों पढ़ा के तुसी भी सेवा दे विच हिस्सा पाओ। वधेरी जानकारी लई स्क्रीन ते आ रहे नंबर या वैबसाइट राही संपर्क करो।